दर्शन छोटे दर्शन छोटे। मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है, घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। दिल दे के दर्द मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सौदा किया है। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। धुन को सुनकर सुनने वाले के पांव न थिरके, ऐसा कोई बिरला ही होगा। हिंदी फिल्म संगीत के खास तौर पर पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है उसके निर्माता निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पानव, एक मिन मजदूर का बेटा। भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतज़ार। मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का ज़माना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए। बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय थी। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई वन मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएँ अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए मगर कमोवेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था। 2,00,000 की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। और लॉटरी लगी 2,50,000 की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चैम्बूर में जागृति स्टूडियोज का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा के जिगरी दोस्त श्री रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। श्री रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के। फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात ये है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे बल्कि स्टंट्समैन थे।
जो आम तौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मार धाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे, तो अलबेला के ये खासियत भरे गीत भी सुन लेते हैं। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी, तुम तीर चलाना छोड़ दो। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी घेर, दिल की घड़ी कर टिक 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 दो बजे रात के बारह। हीरे से आ जा री अखियन में जारिया। अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई छमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज़्यादातर दौलत झोंक दी, मगर ये फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया। आगे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भगवान दादा छोटी छोटी चरित्र भूमिकाओं में दिखने लगे। ये फिल्में थीं झनक झनक पायल बाजे, चोरी चोरी और मिस बॉम्बे। गरीबी ने अपना रंग कुछ ऐसा बिखेरा कि जुहू बीच पर बना 25 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी ज़माने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते। वो सातों गाड़ियाँ बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए, सिवाय श्री रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002 दादर के चौल में बने दो कमरों के एक मकान में ये अलबेले कलाकार भगवान दादा इस पानी दुनिया को छोड़कर चले गए। वही ज़िंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही ज़िंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। क्या हुए वो दिन।